बुल्सकाई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी के घर आया नन्ना शहजादा। बता दें कि राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल मां बन गई हैं और साल भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। मेगन मार्कल ने लड़के को जन्म दिया है। बता दें कि मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी की शादी साल 2018 में हुई थी। ये अभी तक की सबसे बड़ी रॉयल वेडिंग थी। ये शादी लंदन के बकिंगम पैलेस में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस हैरी और मेगन की ये संतान ब्रिटेन के सिंहासन के सातवें दावेदार होंगे। आपको बता दें कि हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन मार्कल की शादी 700 साल पुराने विंडसर कैसल सेंट जॉर्ज चैपल चर्च में मई के महीने में ब्रिटिश प्रिंस हैरी से हुई। शादी के दौरान शाही परिवार में तो खुशी दिखी ही, साथ ही लंदन सहित ब्रिटेन के कई हिस्सों में शादी का जश्न मनाया गया था। शादी के दौरान कई खास मेहमान भी शामिल हुए। भारत की प्रियंका चोपड़ा ने भी इस शादी में शिरकत की थी। इस शाही शादी में रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलाकर शादी में कुल 600 मेहमान शामिल हुए थे। और अब जो ताज़ा खबर सामने आई है उसके मुताबिक मेगन मार्कल अब मम्मी बन गई है और उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। वही ANI के मुताबिक शाही फैमिली में मेगन की संतान के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। इस खबर के बाद राज परिवार में खुशियों की लहर दौड़ उठी है। बता दें कि मेगन मार्कल का जन्म 4 अगस्त 1981 को लॉस एंजलिस में हुआ। जब मेगन छोटी थी तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। मेगन की परवरिश अधिकतर उनकी मां ने की। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी से किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेगन नारी सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम करती हैं और प्रियंका चोपड़ा उनकी खास दोस्त है। बहरहाल अब जब मेगन मार्कल मम्मी बन गई हैं और उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है तो हमारी तरफ से भी मेगन को ढेर सारी बधाइयां। और अगर आप भी मेगन को देना चाहते हैं बधाई तो कमेंट बॉक्स में उन्हें आप विश कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।